मठ से ही होना चाहिए कि राम काज कीनो बिन मोई कहां विश्राम। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा को पार कर जाने के लिए विख्यात भगवाधारी मुख्यमंत्री जब देश की सबसे बड़ी पार्टी को नया विस्तार दे रहे थे, स्वयं नए सिरे से सदस्यता को लेकर बीजेपी के कुनबे को आकार देने की प्रतिबद्धता जता रहे थे, जब वो भारतीय जनता पार्टी को गांव गली और मोहल्ले के घर घर तक पहुंचाने की बात कर रहे थे, तब उनका विजन क्लियर था। सदस्यों को सीढ़ी बनाकर बीजेपी को असीमित ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए जब योगी आदित्यनाथ वचनबद्धता जता रहे थे, तब उनका टारगेट बिल्कुल फिक्स था। लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो, सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी की संभावना हो, या फिर सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाने का, अगर आप भी उस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उन लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच को आसान कर लेंगे। 51 दिनों में जब 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, तब योगी आदित्यनाथ इनमें से करीब करीब एक तिहाई सदस्य सिर्फ यूपी में पूरा करने का प्रण करके आगे बढ़ रहे हैं। इसको लेकर योगी यूं ही आश्वस्त नहीं है, योगी का कॉन्फिडेंस हाई है, क्योंकि यूपी में योगी को सदस्यता अभियान में संघ का साथ मिल चुका है। योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से भी शुभ समाचार मिला है। योगी के सियासी शत्रु अपने ही चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। पीडीओ को ध्वस्त करने की रणनीति में एक और कड़ी जोड़ दी है और इस सब के बीच वो लगातार नौकरी बांट रहे हैं। बीजेपी के वटवृक्ष को और विस्तार देने के लिए जब नए सदस्यों को बढ़ाने की बात कर रहे थे योगी, तब उन्होंने नौकरी का भी जिक्र किया। और नौजवानों को तैयार करिए, अगले 2 वर्ष में 2 लाख सरकारी नौकरी लेके आने जा रहे हैं, 1 करोड़ निजी क्षेत्र में नौकरी लेके आने वाले हैं, लगभग 60 लाख नौजवानों को और उद्यमियों को नए स्टार्टअप स्थापित करने, उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाने और उन्हें नए उद्यमी बनाने की समय सरकार कार्य करने जा रही है। योगी का शब्द शब्द आत्मविश्वास से भरा हुआ है और ये इसलिए है क्योंकि बीजेपी के इस सदस्यता अभियान में उन्हें संघ का भी साथ मिला है। यूपी में सदस्यता अभियान का अहम हिस्सा मुस्लिम आबादी को पार्टी से जोड़ना है। इस बार सदस्यता अभियान में बीजेपी ने मुस्लिम प्रोफेशनल्स और 3 तलाक पीड़िताओं को टारगेट किया है। खास बात यह है कि इस अभियान को पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुसांगिक संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी सहयोग कर रहा है और यही बात सबसे बड़ी मानी जा रही है। इंद्रेश कुमार की अगुवाई वाला संगठन जब विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले योगी की प्रतिज्ञा को पूरा करने में मदद कर रहा है, तब पार्टी ने सदस्यों की तादाद बढ़ाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को भी नया टारगेट दिया है। इस बार सदस्यता में जो भी नेता 100 प्राथमिक सदस्य बनाएगा, उसको पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा। यह सक्रिय सदस्य ही आगे जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। नए सदस्यों को जोड़कर बीजेपी 2027 के लिए सत्ता की सीढ़ी बनाने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बूथ के 20% वोटर्स को अपना कार्यकर्ता बनाएगी ताकि लोकसभा चुनाव 2027 में उसके प्रत्येक बूथ पर जीत हासिल करने में मदद मिल सके। उत्तर प्रदेश में करीब 1,68,000 बूथ हैं। बीजेपी कुल 3 लाख से अधिक कार्यकर्ता बनाने का प्रयास कर रही है। एक बूथ के लिए 200 कार्यकर्ताओं का लक्ष्य तय किया जा रहा है। बूथ पर मतदाताओं की संख्या लगभग 1,000 होती है। तो योगी का बीजेपी के लिए सदस्यता अभियान किसकी टेंशन बढ़ाने जा रहा है, ये बताने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी के सदस्यों की संख्या हमेशा ही विपक्ष के माथे पर पसीना ला देता है। साल 2022 में तमाम दावों के बाद भी समाजवादी पार्टी यूपी की सत्ता में अपने पांव नहीं जमा पाई थी।
हालांकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए के बूते भले ही बीजेपी के दुर्ग में सेधमारी की हो, लेकिन इस बार जिस तरीके से बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के इस पूरे समीकरण को ध्वस्त कर सकता है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अपने सदस्यों के दम पर ही बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की थी, इसलिए योगी इस फॉर्मूले को लेकर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि सदस्यों की संख्या और वोटों का गणित दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। इसे समझिए जरा, 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी के 2,30,00,000 सदस्य थे, जबकि बीजेपी के वोटों का आंकड़ा 3,80,51,000, वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 2,95,43,934 वोट मिले। इससे पहले 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी को 3,44,03,039 वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी ने 1,89,23,689 वोट हासिल किए। इस बार बीजेपी का टारगेट है 4,00,000 से ज्यादा वोटर, जबकि समाजवादी पार्टी 3,50,000 वोट के लिए पसीना बहा रही। इसलिए योगी का टारगेट फिक्स है, क्योंकि अगर तय लक्ष्य को हासिल कर लिया, 4,00,000 वोटर्स को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया, तो अखिलेश के लिए चुनौती बड़ी हो सकती है। बार बार योगी को टारगेट करते अखिलेश भले हमले बोल रहे हो, पर योगी के सदस्यता अभियान का इम्पैक्ट अखिलेश भी बखूबी समझते हैं। एक तरफ योगी का टारगेट ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने का है, तो वहीं योगी सरकारी नौकरियों के जरिए भी युवाओं को साधते दिखते हैं और वो बड़े ऐलान करते हैं।